हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग। मैं घर आ गई हूँ और बहुत सारी मैंने डांस की वीडियोस बनाई थी, लेकिन मेरे से गलती से ना डिलीट हो गई। पता नहीं, मैं अपनी जो एडिटिंग वाली वीडियो डिलीट कर रही थी स्पेस खाली करने के लिए, लेकिन मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई गलती से। तो सो सैड यार, मिस्टेक में हो गया। जल्दी जल्दी मैं सारी वीडियो डिलीट। तो खाना जो है मैं घर से लेकर आई हूँ। इसमें क्या है? अच्छा, तो खाना जो है मैं घर से लेकर आई हूँ, और कल के लिए मैं अपनी चूड़ियाँ सेट कर लेती हूँ। कल मुझे क्या क्या पहनना है वो भी मैं सेट कर लेती हूँ। मैंने ढोल पे ना खूब सारे डांस किए थे, लेकिन अभी घर आई हूँ ना, तो मेरे से वीडियो ही डिलीट हो गई गलती से। तो अब शाम का खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। ये रहा खाना, आलू गोभी की सब्जी एंड रोटी। तुम फल नहीं लेके गए खाने के लिए? तो मैं कल के लिए ना सोच रही हूँ कि अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। और ये वाली ज्वेलरी मंगाई थी मैंने मीशो से, तो मैंने देखी भी नहीं है कैसी है, तो शेयर करूँगी मैं आप लोगों को मीशो हॉल में ही। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ये देख सकते हैं। तो मैं मीशो हॉल में ही शेयर करके आपको बताऊँगी। तो कल मैं क्या पहनूंगी उसकी भी तैयारी मेरे को करनी है। मांटी का चेक करती हूँ कैसा है। अच्छा, यहाँ पे पिन लगा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें ना मैं आपको हॉल वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी मेरा एक सेट जो है ना अभी आया नहीं है, मुझे रिसीव नहीं हुआ है। और आई थिंक सो कि कल मुझे वो रिसीव हो जाए। तो ये मिरर काइंड ऑफ लिया है मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। ये मैंने भात के लिए लिया है कि भाते में जो है ना मैं पहनूंगी, ऐसे ऐसे लगाऊंगी। और कानों के मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा है। निशु बेटा, आवाज़ कम करियो थोड़ा। तो मैं कल की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट कि कल मुझे क्या पहननी है, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना हम, टाइम पे जा नहीं पाते हैं। घर के काम इतने होते हैं कि मैं घर के काम ख़त्म करने में और इतना ज़्यादा थक जा रही हूँ ना, कि मैं सुबह आज भी मैं पता नहीं कितने बजे उठी हूँ, मेरे को तो टाइम भी नहीं पता। मैं इतना लेट सो के उठ रही हूँ ना कि आप लोगों को क्या ही बोलूँ। मैं पहले एक बार पहन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखो, गिर गया। और बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी ली है मैंने, हर ड्रेस की अकॉर्डिंग ज्वेलरी, हर ड्रेस की अकॉर्डिंग चूड़ियाँ चूड़े लिए हुए हैं। और आप लोग बताना, इसका मैंने गले का सेट नहीं लिया है, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है ना उसकी अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ों को ना कॉम्बिनेशन बना के जो है रखा है, ताकि मुझे जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो मिक्स एंड मैच करने में। तो ये वाला सेट ना मैंने मीशो से लिया हुआ है। तो जब मैं हॉल वीडियो शेयर करूँगी ना, तो इसका कोड मैं डाल दूंगी। बट बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, देख सकते हैं। और ये पूरा मैंने कॉम्बिनेशन ही लिया है इस तरीके से, गले के लिए नहीं लिया है, क्योंकि गले में जो है ना मैं मंगलसूत्र इन ऑल पहनूंगी, तो इसीलिए मैंने ये वाला सेट ले लिया है इस बार। बाकी आप लोग देखो बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों के भी ना ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ, कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? उम्मीद करूँगी कि पसंद आया होगा आप लोगों को। और इसके साथ जो है ना मेरे चुन्नी मैच नहीं करी है, मतलब थोड़ा सा पिंक पिंक का कुछ कॉम्बिनेशन रखना चाहती थी मैं। दिखाती हूँ मैं कि कैसा मेरा येलो एंड पिंक का मैंने कॉम्बिनेशन खुद से बनाया है। और जितने भी लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, मतलब खुद से क्रिएट कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा कुछ हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट करना चाहती हूँ। तो ये मैंने पिंक चुन्नी का कॉम्बिनेशन बनाया है, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट, और थोड़ा सा ना डिफरेंट डिफरेंट कलर का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है इस फंक्शन, मतलब सारे फंक्शन के लिए। कि देखो, एक जैसे तो सब दिखते हैं, एक जैसे सब तैयार हो जाते हैं, एक जैसे तो लोग ज्वेलरी भी पहन लेते हैं, लेकिन मैंने क्या कॉम्बिनेशन जो बनाया है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो इसके साथ जो है मैंने रखा है ये पिंक नेल आर्ट रखा है मैंने। तो आप लोगों को भी ना बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे। अब तो शादी के सीजन निकल जाएंगे, लेकिन अगले साल आप बेस्ट अपना वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है। आप लोगों को भी मेरी चीज़ों से थोड़ी सी आइडिया मिलेगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्रिएट। मैंने येलो एंड पिंक का भाती के लिए कॉम्बिनेशन रखा है, जो कि मैंने खुद से क्रिएट कर रही हूँ सारी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन
कुछ मैंने जो है ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं। बाकी देखो गाइस, मैंने ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को सिलवाया है, और सिलाई में भी मेरे ऐसा नहीं है कि 185 रुपये जा रहे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं मेरे सिलाई में भी, उतने ही पैसे जा रहे हैं। तो ये था, ये वाला सेट था, आप देख सकते हैं, जो कि पूरा मिरर वर्क के साथ है। तो मेरे को ऐसा लगा कुछ जल रहा है। और देखो गाइस, अभी तक मेरी लिपस्टिक जो है ना, अभी तक क्या, ये कल तक एज इट इज ही रहने वाली है, तो ये हटने वाली नहीं है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कल क्या पहनूँ, क्योंकि देखो शादी वाला घर है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहू टाइप की हूँ, तो बहू के अकॉर्डिंग ही मुझे रहना पड़ेगा, तो इसलिए भी चीज़ों को ना सोचना पड़ता है। तो ये रहा मेरा सेट, और ये मुझे ना कागज़ के डब्बे में मिला था, तो ये मेरा गोल्ड का है, मैं रख देती हूँ, नहीं तो मेरे से ना खो जाती चीज़ें, बहुत जल्दी खो जाते हैं। तो इसको मैं देखो, मैं पर्स में डालने जा रही थी, मेरे भी दिमाग ना ऐसे ही हो रखा है, तो इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को दुपट्टा कैसा लगा, मैं 2 मिनट में मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरे का ना प्रॉब्लम है, मतलब लाइट की प्रॉब्लम है। मैंने लाइट जो है ना लिविंग रूम में लगा दिया है, और ये मेरा चैन पता नहीं किस में फंस गया है, हस्बैंड के चैन में फंस गया है, तो इनको पहले मैं संभाल के रखूँ, नहीं तो खो गए ना मेरे से, तो बहुत दिक्कत होने वाले हैं। तो एक तो मैंने पहन रखी है ये मेरी चैन, ये मेरे हस्बैंड की चैन, और ये रहे मेरे कान के, इनको पहले संभाल के रखूँ, क्योंकि मेरे से ना ऐसे ही होगा कि कहीं ना कहीं मैं रख के भूल जाऊँगी। तो डब्बे में डाल देती हूँ, और ये रही मेरी चुन्नी, ये रहे मेरे आईलेसेस, और ये वाली भी ज्वेलरी है मेरे पास, ये मेरी पुरानी ज्वेलरी है, लेकिन ये देख सकते हैं ज्वेलरी का ऑप्शन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। मैं किस पे क्या पहनूंगी मुझे अभी खुद ही नहीं पता है, बट मैंने बहुत सारे ज्वेलरी का वो किया है, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड को ही नहीं पसंद है कि मैं ऐसी चली जाऊँ, उनको खुद इतना ज़्यादा वो करने का शौक है ना, कि मैं अगर ऐसी चली जाऊँगी ना तो उनको खुद ही नहीं पसंद आएगा, तो वो खुद सारी चीज़ें पहना रहे इतना ज़्यादा, तो भाई अगर मैं फिर भी ना पहनूँ तो भाई जो है बुरा तो लगेगा ही। देखो यहाँ से ना पता नहीं कैसे से निकल सा रहा है, तो उनका जो है ना ये क्रेज है भाई उनकी, मेरी जो है ना लुगाई ऐसी ना रहे, क्योंकि होता है ना बहुत सारे लोगों में उनको दिखाने का भाई बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये दो जो है ली है मैंने, बाकी आप लोगों को पसंद आएगा। और ये छन छन वाली ना मेरे को बहुत पसंद आ रही है, घुंघरू जो बज रहे हैं ना, तो मिक्स एंड मैच करने में ना आसानी होगी। ये पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, मेरे समझ से बाहर हो रहा ही है, पता नहीं कहाँ से निकलने से लग गया है, इसको ना अंदर डालना पड़ेगा, और इसमें एक ही लगा हुआ है। हमारे टेलर भैया ने ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अटका दिया है, इसलिए मेरे को ना यही सारी चीज़ें पहननी पड़ रही है, नहीं तो ऑप्शन मैंने बहुत सारे रेडी करके रखे हुए हैं। तो ये हो गया, मैं जा रही हूँ खाना खाने, इसको मैं अभी थोड़ी देर में सही करूँगी। और ये वाला चूड़ा जो है मैंने लिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाला प्रिटी लग रहा है गाइस, ये जो बीच का है ना चूड़े का सेट ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बाकी ये वाला सेट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, तो आप लोगों को जल्दी पता चलेगा, जब मेरी ड्रेसेस और सारी चीज़ें रिसीव हो जाएगी ना तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। बाकी कैसा लग रहा है मेरा चूड़े का सेट मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये मेरा कार्ड है, कहीं खो ना जाए मेरे से। तो ये रहा मेरा चूड़ा, मैं इसको रख देती हूँ निकाल के, इसको मैं पहनूंगी आई थिंक बारात वाले दिन पहनूंगी, जिस दिन भी पहनूंगी, पूरे चूड़े में जो है वर्क हो रखा है बहुत अच्छा है, देख सकते हो।
मैया मेरे नहीं माखन खायो खायो रही। तो कल के लिए मैंने ये ब्लाउज ये वाली साड़ी निकाल के रखी है। मैं कल ये वाला साड़ी पहनूंगी। भाई टाइम तो मुझे निकालना पड़ेगा। कौन सा तेल? खाना खा के और एक जगह से आप आओ ना तो घर पे खाना बनाने का मन नहीं करता, तो मेरा खाना जो है ना आज से वहीं पे बन रहा है, बन क्या रहा है, हम सब मिल के बना रहे हैं। तो कोई वीडियो शूट नहीं किया है मैंने क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। जब से मैं गई हूँ तो भाग दौड़ में ही टाइम निकल गया, तो इसी वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं किया, और जो शूट किया ना वो गलती से डिलीट हो गया। तो आज मैंने ढोलक पे ना आज स्टार्टिंग कर दिया था, 3-4 गाने पे मैंने डांस किया था, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाई मेरी। मतलब फिर वही बोल रही हूँ, मैं तो क्या बोल रही हूँ, मैं मेरी वीडियो शूट हुई थी लेकिन डिलीट हो गई मुझसे गलती से। तो हल्दी के लिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो हल्दी के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है पहनने के लिए, तो मैं तीनों ऑप्शन आपको दिखा देना चाहती हूँ। मैं जो भी आउटफिट पहन रही हूँ ना आपके साथ मेंशन करूँगी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और जान के कि हाँ मैं किस दिन क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और आज मेरे पर्स का ना वो जो टांगने वाला वो होता है ना वो टूट गया, बाकी जितने भी हैवी स्वेटर थे ना मैंने सब रख दिया है, क्योंकि खचर पचर हो रहे थे ना, मेरे पास रखने की जगह कम हो रही थी। तो अभी जो साड़ियाँ वगैरह पहन रही हूँ ना, तो इकट्ठा मतलब पहले पूरा 1 वीक जितने भी कपड़े मुझे पहनने हैं ना पहले मैं पहनूंगी, उसके बाद जो है ना मैं इकट्ठा बाद में आराम से धोती रहूंगी। और मैं घर खाली कर रही हूँ इस बात से ना मेरी गली के बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, क्योंकि देखो आपके अपने हो आसपास के हो वो आपसे बेशक नफरत करते रहे, लेकिन जहाँ पे आपने जिनके दिलों में आपने अपनी छाप छोड़ी है ना उनको आपसे लगाव होगा ही। कोई नहीं चाहता है, गली की जितनी भी लेडीज़ें हैं ना नहीं चाहती कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाऊँ। इतना ज़्यादा सब बोल रही थी कि यार तुम मत जाओ, तुम्हारे बगैर हमारा मन नहीं लगेगा। मतलब मैंने कभी किसी के पास बैठ के ऐसे बातें नहीं करी है, कभी किसी से अपने दिल की नहीं कही है, और ना कभी इधर उधर की करी है। उन लोगों को पता है कि हाँ मेरा जो मतलब एक दिल का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत अमेजिंग है, जिसकी वजह से ना उन सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे जाने से। तो मैंने कल जो है ग्रीन साड़ी पहनी थी, आज वाइट ड्रेस पहना था, तो सब मैं अभी धो पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं बस आउटफिट रेडी कर रही हूँ ताकि जितने भी कपड़े पहनूँ और उसके बाद इकट्ठा मैं अपना धोती रहूँगी बाद में। अभी तो नहीं धोऊँगी लेकिन बाद में अपना धोती रहूँगी। और सच्ची बताऊँ मेरे को ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही, मैं कुछ भी हल्का ड्रेस नहीं पहनना चाहती हूँ, मैं आपको पहले मेंशन कर दूँ। कुछ भी मैं ऐसा लाइट वेट टाइप का नहीं पहनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितने दिन भी चीज़ें चल रही है, क्योंकि मैं बहू हूँ। अब बहू का मतलब ये होता है कि आपको ढंग के कपड़े पहने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पहन के चली जाऊं। और बहू का जो एक होता है ना कि अच्छा लगता है कि हाँ आपके घर की बहू कोई आ रही है तो भाई वो अच्छा पहन ओढ़ रही है, तो ये ना सालों साल तक लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पहनूंगी तो यूं ही बोलेंगे कि शादी का घर है, मतलब अपने घर के नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको तो भाई वो कपड़े नहीं देखते, अपने घर के लोग कपड़े नहीं देखते, लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं ना कपड़े देखते हैं। और एक मेरे दांत है ना ये देखा, बिल्कुल पीला हो चुका है, जब मैं बातें कर रही हूँ ना तो वो नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को क्या ही लगेगा कि क्या हो रखा है। तो वो दांत मेरे बहुत ज़्यादा अंदर से पीले हो गए, कीड़े भी लग रहे हैं, दांत में प्रॉब्लम थी, मैंने 2 दांत ऑलरेडी निकलवा भी रखा है। तो चलो ये सब बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने आउटफिट रेडी कर रही हूँ कल के लिए, क्योंकि मेरे जो कपड़े रेडी करने होते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं होते हैं। तो फटाफट हल्दी के लिए रेडी कर लेती हूँ, ड्रेस हो गई, चूड़ियाँ हो गई, क्योंकि अब हल्दी में टाइम ही नहीं है। कल आई थिंक हल्दी की जो रस्म है परसों है, जहाँ तक मुझे पता है हल्दी की जो रस्म है वो परसों है। तो मुझे कुछ कोटेशन भी बनाना था, हल्दी वाला घर या फिर दूल्हे का घर, ऐसा कुछ ना मैंने सोचा बहुत कुछ था, लेकिन मेरी जो तबीयत है ना ख़राब होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। तो चलो फटाफट ट्राई करते हैं, मैं कौन सी मेरे पास ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में है ना वो मैं निकाल देती हूँ, ताकि जो है ना कंफ्यूजन ना रहे। मैंने डेज वाइज जो है साड़ियाँ सेलेक्ट कर लिया है, और हल्दी वाले दिन मैं सूट ही पहनूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है येलो वाला सूट, दिस वन।
ये वाला सूट पहनूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ भी मैं पिंक दुपट्टा ओढ़ूंगी और परसों पहनूंगी मैं ये ऑरेंज साड़ी। तो मैंने डे वाइज ना मैंने सारी साड़ियों को सिलेक्ट कर लिया है। कल पहनूंगी मैं ये वाली साड़ी, तो ऐसे हो जाता है ना, काफ़ी इजी हो जाता है, डे वाइज आप चीज़ें कर पाएंगे। तो आप ये आइडिया ना बहुत ही अच्छा है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा डेज वाइज जो है ना चीज़ों को पहनने में। तो ये होगी मेरी परसों की साड़ी और ये हो गई मेरा ब्लाउज़, ये हो गया मेरी साड़ी कल की। तो ऐसे डेज वाइज करके पहनूंगे ना तो बहुत ही इजी रहेगा मेरे लिए। ब्लू भी ऑप्शन में है मेरे पास, लेकिन अभी मैं डेज वाइज ना ये दो साड़ियाँ मैंने निकाल के रख दिया है कि इन दो साड़ियों को मेरे को डेज वाइज पहनना है। तो अब साड़ियाँ तो हो गई, अब बारी आती है इनकी चूड़ियों की। तो पिंक वाली के साथ मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूंगी, ऑरेंज के साथ मेरे पास ऑप्शन है, तो और भी चीज़ें मैं सिलेक्ट करूंगी। तो इजी, काफ़ी इजी रहेगा ना, मेरे पास और भी साड़ियों का ऑप्शन है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं साड़ियों का ऑप्शन निकाल के रखूँ, क्योंकि अब देखो क्या ना टाइम नहीं बचा है, तो मैं ज़्यादा, मेरे पास पहनने का ऑप्शन बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने आई थिंक कल या परसों से ही जाना स्टार्ट किया है। परसों मैंने साड़ी पहनी थी और ऑप्शन में मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन डेज कम है तो पहनने के लिए बहुत कुछ है और टाइम कम है। मैं ये भी पहन लूँ, वो भी पहन लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, पॉसिबल नहीं है ना सारी चीज़ें कर पाना। तो चलो ये तो हो गए दो ऑप्शन में, बाकी आप लोग भी बता देना कि हाँ मैं ये पहन सकती हूँ, वो पहन सकती हूँ। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं मेरे पास। तो एक ऑप्शन और है, मल्टी कलर वाली भी साड़ी है मेरे पास और एक येलो साड़ी मेरे पास और है। तो अभी आती हूँ मैं। वो बगल वाला किराए पे है और वो नया जमीन लेके बनवाए, इसीलिए यहीं पे लेके। हाँ तो यही वाला कह रहे कि ले लो किराए पे, मुझे खाली हो रहा अभी। तो आकाश ले रहा है उसको शादी तक के लिए ले रहा है, शादी के बाद आकाश यूँ कह रहा कि तुम्हें अगर सही लगे तो ले लेना। हाँ मम्मी मेरा फोन लाया। निशु चल बेटा, तेरे वो भी लाने हैं बाजार से, कपड़े उपड़े भी लाने हैं, है बाजार से तेरे कपड़े भी लाने हैं। कपड़े ला ही रहे हो हाँ, तो मुझे कुछ दिला भी दो साइज में। हाँ क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए है, क्या चाहिए? हेलो एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून। अभी मैं थोड़ी देर के लिए घर आई हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और एक कप बनाऊँगी चाय और जो रात की रोटी है ना उसे गर्म करके खाऊँगी। उससे पहले मैं अपनी साड़ी चेंज करूँगी। तो ये वाली मैं साड़ी पहन के गई थी क्योंकि जो है ना पूजा था बगल वाले घर में, तो मेरे पास भी इनविटेशन आया था। मेरे दीदी के घर के बगल में ही है, तो मेरे वो मुझे भी जानते हैं और उनके तो पड़ोसी है ही और मेरे भी पड़ोसी है वो, तो इनविटेशन आया था तो हम, मैं और दीदी साथ में गए थे और अभी पूजा ख़त्म हुई है। तो ये वाली साड़ी पहनी है और इसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा बनवाया है मैंने। ये देखिए ऐसा बनवाया मैंने, तो चलो अब मिलती हूँ चाय पीने के बाद। बाय बाय।